आपका एक बार फिर से स्वागत है सिंह आटो ज़ोन के नए एपिसोड में। यहाँ आपको मिलेंगी टॉप थ्री न्यूज अपडेट्स ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट डेवलपमेंट इन इंडिया एंड ग्लोबली। शुरू करते हैं पहली अपडेट से, जो है हमारा भारत का अपना इंडियन स्टार्टअप आईआईटी रुड़की से, जिन्होंने स्टार्ट किया था लॉग नाइन मटीरियल्स। हम सब जानते हैं कि ये, इनके बारे में पहले मैं काफी बार वीडियोज में बता चुका हूँ कि इन्होंने एल्यूमिनियम बेस्ड फ्यूल सेल्स बैटरीज हैं जो टेक्नोलॉजी को ईजाद किया है। ऑलरेडी जो महिंद्रा की E2O प्लस थी उसमें इस बैटरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको इन लोगों ने काफी समय से उसको यूज कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी रेडी है, सिर्फ फंडिंग की रिक्वायरमेंट थी। जो आज का डेट है वो फंडिंग से ही जुड़ा है। इनको राउंड ए सीरीज की फंडिंग में तकरीबन 3.5 मिलियन US डॉलर की फंडिंग मिली, रफली 25 करोड़। इस अमाउंट को वो बिल्कुल और ज्यादा उसकी R&D करने में, डिवेलप करने में, एल्यूमिनियम बेस्ड फ्यूल सेल्स बैटरीज को डिवेलप करने में, और इवन एक स्मॉल लेवल का जो एक प्रोडक्शन प्लांट भी सेटअप करने की प्लानिंग इनकी है। अगले आने वाले 18 से 24 महीनों में, 1.5 से 2 साल में प्लांट की इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट की जाएगी। दोस्तों जो एल्यूमिनियम फ्यूल सेल्स है, ये जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इनमें, बिटवीन केमिकल रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड एल्यूमिनियम, ये बिल्कुल सेम टेक्नोलॉजी है हाइड्रोजन फ्यूल सेल की तरह, बट ये काफी ज्यादा इकोनॉमिकल और सेफर साइड पे रहती है। और सबसे बड़ी बात है, जब एल्यूमिनियम का नाम यहाँ पे आता है तो इंडिया में एल्यूमिनियम मोर देन सफिशिएंट है, प्योर फॉर्म में भी मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इकोनॉमी जो सबसे बड़ी बात है, जब हम इलेक्ट्रिकल या प्योर एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, तो या हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात कर रहे हैं या फ्यूल सेल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ इकोनॉमी की दिक्कत है, कॉस्टली काफी ज्यादा पड़ रहे हैं। बट जो ये एल्यूमिनियम बेस्ड फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी है, जो कि लॉग नाइन मटीरियल्स जो इनके CEO है मिस्टर अक्षय सिंघल, उनका कहना है कि जो अल्टीमेट इनका ऑब्जेक्टिव था ये सब करने का, वो यही था कि जो इतनी ज्यादा कॉस्टिंग आ रही है, चाहे फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी है या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में लिथियम आयन बेस्ड बैटरीज है, या हम जो हमारी इकोनॉमी डिपेंडेंट काफी ज्यादा क्रूड ऑयल पर, उन सबको शिफ्ट कर एल्यूमिनियम बेस्ड जो इकोनॉमिकल ऑप्शंस है उन पर जाने की इनकी प्लानिंग है। बिल्कुल दोस्तों, मैं बिल्कुल यकीन मानता हूं इस बात में, पहले भी कई बार वीडियोज में कह चुका हूं कि लिथियम बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है इंडिया के फेवर में नहीं है। एल्यूमिनियम बेस्ड टेक्नोलॉजी, अगर मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट भी इन अल्टरनेट सोर्स पर ध्यान देगी, इनको भी सपोर्ट करेगी, इनके लिए भी प्लांट सेटअप करने में जो सब्सिडीज वगैरह बाकी जगह वो कह रही हैं, इन सब सेटअप्स में भी वो सब्सिडी और जो और बेनिफिट्स चाहिए वो इनको भी मिलने चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक टेक्नोलॉजी पर अगर सारा शिफ्ट करेंगे तो आगे चलकर इसमें कोई दिक्कत आ सकती है। अगर अल्टरनेट हमारे पास होंगे तो कभी भी किसी को भी, चाहे एंड यूजर्स हो, चाहे गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, उनको नुकसान नहीं हो सकता है। तो ये था आज का पहला अपडेट। यहाँ एक दूसरा और इम्पोर्टेंट अपडेट है मुंबई से। दोस्तों फ्रांस बेस्ड एक कंपनी है IBS, जो कि इंडिया में लिथियम आयन बैटरीज का प्लांट सेटअप करने जा रही है। उसके लिए उन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया है भारत का एक अदर इंडियन स्टार्टअप है, जिसका नाम है आयन एनर्जी। ये इनके पास एक्सपर्टाइज है, इस कंपनी के पास जो भारत की हमारी अपनी कंपनी है, बिल्कुल जो एडवांस BMS यानी कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और एनर्जी स्टोरेज एप्लीकेशन में ये कंपनी काम करती है। तो इस ज्वाइंट वेंचर के अंदर IBS जो कंपनी है जो प्लांट लगाने जा रही है लिथियम, वो जितना भी BMS टेक्नोलॉजी है वो आयन एनर्जी का सभी बैटरीज में उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों ये अपने आप में एक बड़ी न्यूज है, जब हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट की बात करते हैं तो मतलब हमारी अपनी कंपनीज इतनी कैपेबल हो चुकी हैं, जो BMS वगैरह सिस्टम है उसको खुद तैयार कर रही है, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है लिथियम आयन बैटरीज का या कोई भी अदर्स टेक्नोलॉजी है बैटरीज, क्योंकि अगर ये टेक्नोलॉजी अच्छी होगी BMS तो इससे जो बैटरीज की जो परफॉर्मेंस है, जो उनकी पावर है, जो उनकी लाइफ है, वो काफी हद तक इंक्रीज हो जाती है, उसमें काफी अप आता है इन बैटरी स्टैक्स की वजह से। तो अच्छी बात है, थम्स अप है इसके लिए हमारी अपनी आयन एनर्जी को, और देखते हैं कि कितनी जल्दी ये लिथियम आयन बेस्ड इनका बैटरी प्लांट है कब स्टार्ट होंगे, कहां करेंगे, कोई नया अपडेट आएगा तो आपके साथ शेयर करूंगा सबसे पहले। यहाँ तीसरे अपडेट की बात करते हैं। अगर आपको याद हो, इस साल के स्टार्टिंग में हमारे भारत के माननीय राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद अपनी टीम्स के साथ, कुछ कंपनीज के साथ, लिथियम ट्रायंगल कहे जाने वाले 3 देश बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली, यहां पर गए थे, जहां पर लिथियम मैक्सिमम इन वर्ल्ड का 70-75% लिथियम इन कंट्रीज में पाया जाता है। इन पर गए थे, फोकस लिथियम आयन से जुड़ा ही था, उसकी माइनिंग से जुड़ा, उसके दौरान कंट्रीज के साथ MOU भी साइन हुए हैं।
अब दोबारा भारत की नीति आयोग और साथ में जो एक तीन बड़ी कंपनीज का पब्लिक सेक्टर कंपनीज को मिलकर जो एक ज्वाइंट वेंचर बनाया गया जिसका नाम रखा गया है खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड, इनके साथ और अदर जो इंपॉर्टेंट हाई लेवल डेलीगेशन है वो दोबारा से इन कंट्रीज में गए हैं। वहां पर इनकी कंट्रीज के जो भी रिप्रेजेंटेटिव उनसे मिले हैं, पॉसिबिलिटीज चेक की जा रही है कि लिथियम माइनिंग से जुड़ा या उस देश की सरकार जब माइनिंग अगर प्लांट कोई लगाती है तो उनसे इंसेंटिव वगैरह बेनिफिट्स वगैरह क्या कंपनी देंगी वो कंट्रीज देंगी, ये सब पर अभी कैलकुलेशन की जाएगी वहां जहां पर की जा रही है। और उसके बाद नॉट ओनली लिथियम आयन अदर्स जो अदर्स माइनिंग वहां पर मिल रही है यानी कि कोबाल्ट कॉपर गोल्ड इन सब की माइनिंग से जुड़े भी जो पॉइंट्स है वो उनको भी वहां पर देखा जाएगा। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द कुछ फाइनल होगा, बहुत जल्द हमारी कंपनीज वहां जाकर माइनिंग करेगी क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज की जब बात करते हैं उसकी अफोर्डेबिलिटी तब तक नहीं आ जाती जब तक हमारी कंपनीज खुद वहां जाकर माइनिंग नहीं करेगी। वहां से जो आयन निकलेगा वो इंडिया आकर जब उसके बाद हमारी खुद की कंपनीज उस आयन से खुद यहां पर बैटरीज नहीं बनाएंगी तब तक अफोर्डेबिलिटी नहीं आ सकेगी लिथियम आयन बैटरी से जुड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट की हम बात करें। उम्मीद है कि अगले 2 से 2.5 साल में ये सब हो जाएगा, 2023 तक हम कह सकते हैं अगर ये सब हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो आज की डेट में पेट्रोल या डीजल गाड़ी और इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो प्राइस है वो बराबर आ जाएगा अगर ये सब हो जाता है सब कुछ ऑन द टाइम अगले 2 सालों में। बाकी ये थे आज के 3 अपडेट दोस्तों, अच्छे लगे हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।